अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू funboy.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में दो स्मार्टफोन का कंप्लीट इन डेप्थ कंपैरिजन शेयर करूंगा। एक तरफ मेरे पास है इन्फिनिक्स हॉट 10 आई और दूसरी तरफ मेरे पास है इन्फिनिक्स हॉट 10। अब वैसे देखा जाए तो इन्फिनिक्स हॉट 10 आई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इन्फिनिक्स हॉट 10 के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च किया गया है, लेकिन यहाँ पे हॉट 10 आई के अंदर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसी मिलती है जो कि हॉट 10 के मुकाबले में काफी सी लो है। तो आज की वीडियो के अंदर उनको भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्पेसिफिकेशन आपको लो मिलती है और कौन सी स्पेसिफिकेशन आपको बेहतर मिलती है हॉट 10 आई के अंदर, और ओवरऑल इन दोनों में से कौन सा मोबाइल आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको इन्फिनिक्स हॉट 10 आई का पबजी टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, गेमिंग क्रैश और कंपैरिजन वगैरह देखने हो तो funboy.com को लास्ट सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ये सारी वीडियो अपलोड होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों से देखा जाए ओवरऑल डिस्प्ले की साइड पे, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 10 आई के अंदर और हॉट 10 के अंदर जो पहला डिफरेंस आपको मिलने वाला है वो यहाँ पे डिस्प्ले डिजाइन को लेकर मिलने वाला है। यहाँ पे हॉट 10 पंच होल डिजाइन के साथ आता है, जबकि हॉट 10 आई आपको नॉर्मल टीयर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ मिलता है। और यहाँ पे जो ओवरऑल डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है वो तो सिमिलर रखी गई है 720p की, लेकिन डिस्प्ले का जो साइज है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे हॉट 10 आई के अंदर 6.6 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, जबकि उसी तरफ यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 10 के अंदर ऑलमोस्ट 6.78 इंचेस का डिस्प्ले साइज रखा गया है। अब वैसे देखा जाए तो इन्फिनिक्स हॉट 10 की डिस्प्ले परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो आपको ज्यादा बेहतर मिलेगी एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स हॉट 10 आई, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बेहतर साइज का डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे डिजाइन भी डिस्प्ले का थोड़ा सा लेटेस्ट रखा गया है। एनीवे दोस्तों, में फर्दर बात की जाए यहाँ पे रियर साइड पे, तो यहाँ पे दोनों मोबाइल के रियर साइड अपने अपने डिजाइन के अंदर इंटरेस्टिंग लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 10 आई का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा मुझे आउटडेटेड लग रहा है, और यहाँ पे खासतौर पर जो कैमरा मॉड्यूल है वो थोड़ा सा पुराना इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हॉट 10 का जो कैमरा मॉड्यूल है डिजाइन है वो काफी हद तक एक इंटरेस्टिंग सा लुक प्रोवाइड करता है। तो हॉट 10 आई मुझे तो लुक में इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन आप लोग क्या समझते हैं, आप लोगों को कौन सा डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा, क्योंकि हर किसी की डिजाइन प्रेफरेंस अपनी अपनी होती है। एनीवे दोस्तों, में फर्दर बात की जाए रियर कैमरे की, तो इन्फिनिक्स हॉट 10 आई के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिल जाता है और इन्फिनिक्स हॉट 10 के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। और यहाँ पे जो ओवरऑल कैमरा की परफॉर्मेंस है उसमें कोई इतना ज्यादा तो फर्क नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इन्फिनिक्स हॉट 10 आई के अंदर सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप इस्तेमाल किया गया है, तो आपको इन्फिनिक्स हॉट 10 के मुकाबले में कुछ कैमरा ऑप्शन कम मिलेंगे और ये कैमरा वैसे ओवरऑल थोड़ा सा लो परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस एंड कैमरा क्वालिटी, तो आपने इस चीज को जरूर मेक श्योर करना है। फर्दर दोस्तों बात की जाए तो इन्फिनिक्स हॉट 10 आई के अंदर 5 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा इस्तेमाल किया गया है और इन्फिनिक्स हॉट 10 के अंदर 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे डेफिनेटली सेल्फी कैमरे की साइड भी थोड़ी सी मुझे स्ट्रांग लग रही है हॉट 10 के मुकाबले में। अब हॉट 10 का पर्सनली कैमरा टेस्ट तो मैंने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ये मोबाइल जैसे ही लोकल मार्केट के अंदर आता है मैं आप लोगों के साथ इसका कंप्लीट कैमरा टेस्ट शेयर कर दूंगा, तो उसके अंदर आपको ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हॉट 10 आई कैमरा के मामले में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही है कि हॉट 10 यहाँ पे फिर भी ज्यादा बेहतर अच्छा परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू हॉट 10 आई, लेकिन अब एक्चुअली रिजल्ट किस तरह के रहते हैं वो इसके कंप्लीट कैमरा टेस्ट के अंदर शेयर करेंगे, तो उसके लिए जरूर वेट करिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। एनीवे दोस्तों, में फर्दर बात की जाए मोबाइल की ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 10 आई के अंदर आपको मीडियाटेक EP65 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है और इन्फिनिक्स हॉट 10 के अंदर आपको मीडियाटेक G70 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे वैसे जो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली हॉट 10 की ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि P65 एक अच्छा प्रोसेसर तो है रह चुका है, लेकिन अभी 2021 के हिसाब से इतनी अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, और खासतौर पर गेमिंग के अंदर तो G70 के आगे इतनी अच्छी वैल्यू मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रोसेसर प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन फिर भी ये मोबाइल जब आएगा तो इसको इन डेप्थ टेस्ट आउट कर लेंगे, लेकिन P65 को हमने पहले भी काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर टेस्ट आउट किया हुआ है और उसमें जो परफॉर्मेंस आती है वो मीडियाटेक की जो जी सीरीज होती है उससे काफी खासी वीक आती है। लेकिन खैर ओवरऑल रिजल्ट किस तरह के रहते हैं आप लोगों के साथ गेमिंग कंपैरिजन के अंदर शेयर कर देंगे, तो उसके लिए जरूर वेट करिएगा। इसके अलावा दोस्तों फर्दर बात की जाए बैटरी सेक्शन की, तो इन्फिनिक्स हॉट 10 आई के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है और इन्फिनिक्स हॉट 10 के अंदर आपको 5200 mAh की बैटरी मिलती है। और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो दोनों में से किसी मोबाइल के अंदर भी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको नहीं मिलती, दोनों मोबाइल 10 W की स्टैंडर्ड चार्जिंग के साथ आते हैं। और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो चार्जिंग टाइम भी आपको ऑलमोस्ट दोनों मोबाइल के अंदर सिमिलर मिलने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हॉट 10 आई के अंदर क्योंकि 6000 mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है तो आपको बैकअप टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स हॉट 10। लेकिन जो ओवरऑल मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस है वो इन्फिनिक्स हॉट 10 की ज्यादा बेहतर होगी और यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 10 ज्यादा बेहतर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर दोस्तों प्राइसिंग के वेरियंट्स की बात की जाए तो इन्फिनिक्स हॉट 10 के वैसे तो 3 वेरियंट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एक 4GB 64GB जिसकी ऑफिशियल प्राइस 21,000 की है, एक 4GB 128GB जिसकी ऑफिशियल प्राइस 23,000 की है, और एक 6GB 128GB जिसकी
जिसकी ऑफिशियल प्राइस 25,000 की है। और इन्फिनिक्स हॉट 10 के ऊपर आपको लोकल मार्केट में इजिली 2,500 से 3,000 तक का डिस्काउंट मिल जाता है। उसी तरफ यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 10 आई की बात की जाए तो ये मोबाइल फिलहाल एक ही वेरियंट के अंदर अवेलेबल है, जो कि है 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के अंदर। और इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है वो 22,000 की रखी गई है। और इस मोबाइल फोन के अंदर भी आपको 2 से 2,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा लोकल मार्केट के अंदर। और वैसे अगर कंपैरिजन विनर की बात की जाए तो डेफिनेटली आज की वीडियो कंपैरिजन विनर इन्फिनिक्स हॉट 10 है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगी, ज्यादा बेहतर डिस्प्ले मिल जाएगा और ओवरऑल भी मोबाइल काफी हद तक बेहतर लग रहा है मुझे हॉट 10 आई के मुकाबले में। आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा मोबाइल ज्यादा बेहतर लगता है कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देगा, और अगर आपने इन्फिनिक्स हॉट 10 आई की मजीद वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर लाजमी क्लिक कर देगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।